वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल टैलेंटेड रितु इंसा। आज मैं आपको साड़ी में बेल्ट डालने का तरीका बताऊंगी, बहुत ही आसान सा। जैसे कि हमने इसके लिए सिर्फ दो माप लेने होते हैं, एक जो लेंथ है वो लेंगे और एक बेल्ट जहां बांधते हैं। तो जो लेंथ है वो 40 इंच है और जो बेल्ट है वो 34 इंच है। तो इसके हिसाब से मैं आपको सारा माप इसका बताऊंगी। तो जैसे कि हमने ये लिया है फ्रंट हिस्सा, यानी कि इसका जो पल्ला है वो हमने ले लिया है। तो जो पल्ले की लेंथ है वो हम इस हिसाब से लेते हैं, जैसे कि किसी को लंबा रखना होता है, किसी को कम रखना होता है। तो इसकी कम से कम जो लंबाई लेंगे वो हम 85 और ज्यादा से ज्यादा लेंगे वो 95 तक लेंगे। तो उस हिसाब से हम माप लेते हैं। जैसे मैं इसकी 90 रखूंगी, जो पल्ले की लेंथ है वो 90 रखूंगी। आप अपने हिसाब से रख सकते हो, जितने भी अपने पल्ला रखना होता है लंबा या छोटा। तो यहां तक जैसे मैंने 60 इंच यहां तक हो गया, ये यहां तक 60 हो गया। उसके बाद इससे आगे हम 30 इंच और लेंगे। 60 इंच का इंस्टीट्यूट था हमारा, 60 हमने वहां तक ले लिया और 30 और इससे आगे से हम रखेंगे, जैसे कि यहां तक इसके। तो हमने यहां पर कट लगा लिया है, जैसे कि ये हमारा, इधर से एक बार और आपको बता दूं, 90 इंच का पल्ला हमने रख लिया। आप अपने हिसाब से कम ज्यादा रख सकते हो। अब इसके बाद हमने इस तरफ से लेना है, जैसे कि ये हिस्सा हमने पूरा इधर कर लेना है, ये हमारा नीचे वाला हिस्सा हो गया जो अपोजिट साइड का है। तो इधर से हम लेंगे जितनी हमारी बेल्ट थी, तो हमारी बेल्ट 34 इंच थी, तो हम 34 तक सीधा निशान लगा लेंगे। जैसे कि यहाँ हमारा 34 हो गया, इसमें हम 10 इंच और प्लस करेंगे तो ये हमारा 44 हो गया। 10 इंच हमें, जो हमारी भविष्य में कभी हमने लूजिंग चाहिए हो तो इसके लिए हम 10 इंच एक्स्ट्रा इसमें ले लेते हैं। तो यहाँ पर भी हम एक छोटा सा कट लगा लेंगे, एक कट हमने यहाँ पर लगा लिया। अब इसके बाद जो हमने ये कट लगाया है इससे हम चुन्नटे स्टार्ट करेंगे। इसकी चुन्नटे हम इस कट से लेकर और जो हमने 90 पर कट लगाया था, जैसे कि ये, इस तक हम इसकी प्लेट डाल देंगे। तो ये हमारा फैब्रिक जो बीच बीच का है इसकी हम प्लेटें डालेंगे। तो प्लेटें हम कुछ इस तरह से डालेंगे, जैसे कि हमने यहाँ से इसको ऐसे पकड़ा और इसको ऐसे पकड़ते हुए हमने पूरे पर इस तरह से ये प्लेटें डाल देनी है। जैसे कि हमने ये प्लेटें डाल ली हैं, आप एक दूसरे की मदद से भी किसी और से पकड़वा के और इनको सेट कर सकते हो एक बार। जैसे कि ये हमारा कट यहाँ तक आ गया, बाई चांस ये हमारा कट आगे पीछे रह जाए तो हम छोटी प्लेट भी इस तरह से इसमें डाल सकते हैं, बट मेरा कंप्लीट आया है तो मैंने इसको इस तरह रख लिया है। और इसके बाद हम इसमें जैसे कि एक बार अच्छे से इनको फिर से सेट करेंगे और इसमें एक पिन लगा देंगे। ये पिन हमने इस तरह से लगा देनी है। ये पिन लगाने के बाद हम इसकी लेंथ मापेंगे। तो हमने लेंथ इस तरह से मापनी है, जैसे कि हमने ये इसकी जो प्लेटें हमने दी थी उसके ऊपर से हम इंच टेप को इस तरह से रखेंगे और 40 इंच पर जितनी हमने लेंथ तैयार रखनी है, जैसे कि नीचे से तो हमने कुछ करना ही नहीं होता, तो जितनी भी हमने लेंथ तैयार करनी है उतनी पर निशान लगा देंगे। तो हमने 40 इंच की तैयार करनी है। अब इसके बाद ये हमें इजी हो जाएगा, इस तरह से हम निशान लगाएंगे। जैसे कि ऊपर देखेंगे हमारा कितना फैब्रिक हो गया जहां तक हमने ये चौक का निशान लगाया था, तो हम 4-4 इंच पर सारे पर निशान लगा देंगे इसके ऊपर, जो हमारा ये इधर का पल्ला है इसके ऊपर हम। हमने इधर तक कंप्लीट निशान लगा लेने हैं, जैसे कि यहाँ तक। यहाँ हम कोशिश करेंगे कि हमने 3.5 इंच पर निशान लगा देना है, क्योंकि हमारा 3.5 पर नहीं, यहाँ हम 4.5 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि ये पल्ला हम थोड़ा सा ऊंचा रखते हैं, ऊंचे की तरफ। तो ये हमने निशान लगा लेना। अब हम जब सिलाई लगाएंगे तो इस निशान के ऊपर से लगाएंगे, जैसे कि हमने जो ये निशान लगाए थे इधर को, इसके ऊपर हम बेल्ट लगाते हैं। जो वो बेल्ट मैंने ली है, इसके ऊपर जो बेल्ट लगाएंगे, आगे आगे आप जैसे देखोगे आपको पता चलेगा, इसके ऊपर जो हम बेल्ट लगाएंगे वो हमने ली है। तो जितनी हमने हमारी कमर थी, जैसे कि 34 थी, तो 34 हमने ये बेल्ट ली है। जैसे कि ये डबल में है तो डबल इसका ये 70 हो गया, और उसके लिए हमने एक ये 4 इंच का टुकड़ा लिया है, इसको हम इसके सेंटर में ज्वाइंट कर देंगे। जैसे कि हमने ये बिल्कुल सेंटर से कट कर लेना है इसको, इसके बीच में हम यहाँ पर इसको जोड़ देंगे दोनों तरफ, यहाँ पर हमने इसको जोड़ देना है। उसके लिए हमने, या तो अगर हमारे पास फैब्रिक है
तो हम अलग से मिलता जुलता कोई भी फैब्रिक ले लेंगे। अगर बाई चांस हमारे पास फैब्रिक नहीं है और, तो जो हमारी ये साड़ी का पल्लू होता है इसमें से हम पहले से ही कट कर लेंगे। ये निशान लगाने से पहले, यानी कि जो हमने बेल्ट का निशान लगाया है उसका निशान लगाने से पहले हम बेल्ट के लिए ये फैब्रिक अलग से कट कर लेंगे और उसके बाद इसको सेट करेंगे। बट हमारे पास फैब्रिक था तो हमने कट नहीं किया। तो चलिए अब मैं आपको इसके ऊपर ये जोड़ना बताऊंगा। जैसे कि इसके लिए हम बेल्ट के लिए हम जैसे कि हमने ये इसका फैब्रिक लिया है, वो इसकी चौड़ाई लगभग 4 इंच है और जैसे कि 4 साढ़े 4 इंच हम जितना भी रखना चाहे उतना रख सकते हैं। और इसमें जो हम फैब्रिक ये लगाएंगे तो हमने इसकी लेंथ कुछ इतनी ली है जिससे कि जब इस फैब्रिक को इस इलास्टिक को खींचे तो इसमें चुनट पड़ के और फिर ये प्रॉपर आ जाए। तो हमने इतनी जितना कि जैसे कि इस फैब्रिक की लेंथ कम से कम जैसे कि हमारी बेल्ट की तो इससे इतनी एक्स्ट्रा लेनी है। तो चलिए मैं आपको सिलाई करके दिखाती हूँ। जैसे कि हम यहाँ से इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे और एक सिलाई हम उस साइड भी लगा देंगे। ये दोस्तों जितना भी बैक में शोर हो रहा है उसके लिए प्लीज मुझे माफ करना, आप सिर्फ सीखने पर ध्यान दीजिएगा। मैं करने के चक्कर में बहुत ज्यादा दिन हो गए थे कि इसको डाल ही नहीं पा रही थी और आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे। अब हमने जो ये फैब्रिक लिया था इसको हम इस तरह से रखेंगे, यहाँ से थोड़ा हम एक्स्ट्रा यहाँ पर रख लेंगे इसको ताकि जब हमें फोल्ड करने की जरूरत हो तो हम इसको कर लें। हम ये सिलाई पूरे जैसे कि हम इलास्टिक है हमारा तो इसके ऊपर हम सीधी सिलाई ऐसे नहीं लगाएंगे, इसको हम इस तरह से करके सुई अंदर रखी और इसको ऐसे खींचते हुए फिर इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे, क्योंकि जब हम इसको खींचेंगे नहीं तो फिर इस इलास्टिक लगाने का हमारा कोई फायदा नहीं। ऐसे हमने अब पूरे ऊपर सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। इधर जैसे कि हमने एक तरफ की सिलाई कंप्लीट कर ली है इस तरह से और इसके बाद हम एक सिलाई और लगाएंगे, यहाँ से हमने एक सिलाई और लगा देनी है। यहाँ से हमने इसको भी उसी तरह से खींचते हुए यहाँ तक सीधे आ गए यहाँ तक और इसके बाद इसको हम खींचेंगे जैसे हमने पहली बार खींचा था उसी तरह से यहाँ से खींच कर इस पर भी हम सिलाई लगा देंगे जिससे ये हमारा इस तरह खींचा हुआ मिल जाएगा। ये हमने खींच कर लिया। अब जो हमारा ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है जैसे कि इसको हम कटिंग कर देंगे, हमने हाफ हाफ इंच का ही रखना है। दोस्तों हम इन प्लेटों को एक बार फिर से देखेंगे। दोस्तों हमने एक बार ये स्टार्टिंग में ये प्लेटें इक्वल डाली थी लेकिन अब मैंने एक प्लेट से बड़ी डाली है। ये इसलिए डाली है ताकि जब हम पहने तो ये बिल्कुल जो हमारी ऊपर वाली प्लेट है वो साइड में ना खिसके। अगर हम ऊपर वाली प्लेट से बड़ी डालेंगे तो वो साइड में नहीं खिस सकती, इसलिए हम ऊपर वाली एक प्लेट बड़ी डाल सकते हैं। हम इक्वल भी डाल सकते हैं, उसमें भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। और एक जो हमने ये कट लगाया था आगे की तरफ, और बाई चांस आपकी प्लेट से अगर पूरी 5 इंच में जो मैंने बताई थी वो नहीं डाल पा रही तो आप छोटी भी डाल सकते हो। उसके बाद हम सारी प्लेट्स को इस तरह से सीधी करेंगे और इस पर हल्की हल्की प्रेस लगा देंगे, हल्की सी क्रीज बना देंगे ताकि जब हम इसको डालें तो ये इक्वल रहें। तो ये हमने एक बार थोड़ी सी क्रीज बना लेनी है। दोस्तों जो हमने पीछे आवाज़ मतलब मैंने अलग से नहीं डाली, वो सिर्फ एडिट करने के चक्कर में पड़ी हुई थी और ज़्यादा ही दिन हो गए थे, मैं इसमें आवाज़ नहीं अपनी डाल पा रही थी, इसके लिए मुझे माफ़ करना जो भी आपको एक्स्ट्रा आवाज़ें सुनाई दे रही थी। तो दोस्तों मैंने वहाँ पर पिनअप कर लिया था। अब हम इस सिलाई मशीन से इसकी जो बेल्ट हमने तैयार की थी वो इसके ऊपर लगाएंगे। तो उसके लिए पहले मैंने ऊपर सिलाई लगाई है, और आप अगर आपकी प्लेटें सरक रही हैं तो जो मैंने हाथ रखा हुआ है यहाँ पर भी आप एक ऊपर की तरफ सिलाई लगा सकते हो, मैं यहाँ पर नहीं लगाती। बाकी अगर आप लगा लोगे तो बहुत ही आसान रहेगा, जो ऊपर की सारी प्लेटें हैं उनको इक्वल करके एक सिलाई लगा लें। उसके बाद हमने ये बेल्ट ली है, और बेल्ट
का हमने आगे से थोड़ा हिस्सा फोल्ड कर लिया है और जहाँ पर हमने निशान लगाए थे जितनी लेंथ हमने तैयार करनी है उसके उसके ऊपर रखते हुए हमने सीधी सिलाई लगानी है। ये हमें देखो जैसे कि मैंने हाथ रखा हुआ है तो जब हम ऊपर सिलाई नहीं लगा रहे तो ये हमें दिक्कत होती है, तो आप सिलाई ज़रूर लगाएं इन प्लेटों को जैसे ऊपर की तरफ सीधा करके, जो ये ऊपर हमारी कन्नी दिख रही है इसके ऊपर आप एक सीधी सिलाई लगा लें ताकि आपकी ये चुन्नटें बार बार खिसकेंगी नहीं। अब हम इसके ऊपर सीधी सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर मोटा फैब्रिक है, थोड़ा हाँ ध्यान से मशीन को आपको चलाना होगा और जहाँ जहाँ हमने चौक का निशान लगाया था बिल्कुल सीधा हमने वहाँ पर एक बराबर चलना है। हमारी जो ये पेस्टिंग हमने लगाई है ये नहीं दबनी चाहिए, बिल्कुल इसके पास पास हमने सिलाई लगाते हुए चलना है। हमने पूरे पर चौक का निशान लगा लेना है ताकि जब हम ये सिलाई लगाएं तो हमें आसानी रहे। उसके बाद दोस्तों हम जैसे ही इलास्टिक के पास आएंगे, जो हमने 4 इंच का टुकड़ा डाला था उसके पास हमने दो दो चुन्नटे या एक एक चुन्नटे डाल लेनी है। वो हम हमारा कपड़ा देखकर डालते हैं कि हमारे पास कितना फैब्रिक बचा हुआ है एक्स्ट्रा। ये हम एक बार पहले माप लेंगे कि हमारे पास कितना फैब्रिक दिखाई दे रहा है, अगर ज़्यादा है तो हम दो दो प्लेट डाल लें वरना एक एक डाल लें, वो आप आगे देखोगे। जैसे कि हमने इस तरह से मापा और बीच में ही चेक करेंगे कि हमारी कितनी चुन्नटें आ जाएंगी, तो ये हमारी दो दो चुन्नटें आ जाएंगी। अब हम दो चुन्नटें इलास्टिक से इधर डालेंगे और दो उधर डालेंगे। दोस्तों बिजी शेड्यूल के कारण मैं वीडियो नहीं डाल पा रही, बाकी बहुत सी एडिट होने के चक्कर में पड़ी हैं। मैं कोशिश करूँगी अब डेली वीडियो डालने की, कि मैं डेली वीडियो डालूं और मैं जो मशीन मतलब कोर्स मेरा अब शुरू हो गया है अप्रैल से, इनके आज से ही मेरा कोर्स स्टार्ट हो चुका है, तो मैं कोशिश करूँगी कि जो मैं स्टूडेंट्स को सिखाऊं यहाँ पर डेली रूटीन में वो आपके लिए भी वीडियो अपलोड करूं। तो अब हम जब ये इलास्टिक के ऊपर सिलाई लगाएंगे तो हमने खींच कर लगानी है, अगर हम विदाउट खींचे लगाएंगे तो इसका फिर लगाने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। ये हम चुन्नटें इसलिए डालते हैं दोस्तों ताकि भविष्य में हमें लूजिंग की ज़रूरत पड़े तो हम ये ओनली मतलब दो चुन्नटें खोल कर ही इसकी साड़ी की लूजिंग कर सकते हैं, वरना हमें पूरी चुन्नटें फिर से खोल के दोबारा तैयार करनी पड़ेगी। तो हमने ये कपड़ा चेक किया था कि इधर भी दो चुन्नटें डल जाएंगी, तो ये हमारी दो चुन्नटें इधर भी डल गई है। अब हम सीधी सिलाई लगा देंगे बिल्कुल इक्वल जहाँ तक हमने निशान लगाया हुआ है। दोस्तों अगर आपको मेरे डेली रूटीन वाली क्लासेस की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में मुझे बताइए, मैं कोशिश करूँगी कि आपको भी डेली कुछ ना कुछ नया सीखने को जो मैं स्टूडेंट को सिखाती हूँ आपके लिए भी वीडियो अपलोड करूँ। तो ये हमने इस तरह से सिलाई लगा ली है, अब हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे पूरी बेल्ट को और इसके ऊपर से सिलाई लगा देंगे। ये हमने इस तरह से फोल्ड करके इसके पूरे पर सिलाई लगा देनी है। और दोस्तों मुझे आपकी एक एडवाइस भी चाहिए, तो प्लीज़ ध्यान से सुनेगा और उसके बाद कमेंट में मुझे ज़रूर अपनी एडवाइस ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों मुझे पार्लर और सिलाई दोनों में इंटरेस्ट है, ध्यान से सुनेगा, मुझे पार्लर और सिलाई दोनों में इंटरेस्ट है, पर मैं पजल हुई पड़ी हूँ कि मैं कौन सा काम रखूँ और कौन सा काम छोड़ूँ, क्योंकि दोनों काम मुझसे हो नहीं पा रहे हैं, दोनों काम मुझसे हो नहीं पा रहे हैं। तो प्लीज़ मुझे एडवाइस दीजिएगा कि मैं कौन सा काम करूँ, मतलब मैं समझ नहीं पा रही कि मैं कौन सा काम छोड़ूँ, क्योंकि मेरा दोनों में ही इंटरेस्ट है और दोनों में ही मैं फुल ट्रेंड हूँ, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं कौन सा काम छोड़ूँ। तो प्लीज़ आप एक बार कमेंट में मुझे अपनी सलाह ज़रूर दीजिएगा कि मैं कौन सा काम रखूँ। अगर हाँ दोस्तों अगर मैं पार्लर का काम भी रखूँगी तो मैं सिलाई की वीडियो आपके लिए ज़रूर अपलोड करूँगी। मैं वो छोड़ने के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं जो बुटीक के कपड़े हैं वो ना लूँ, वो ना लेकर के आपके लिए वीडियो अपलोड कर दूँ। अगर मैं बुटीक के कपड़े तैयार करती हूँ तो फिर मैं आपके लिए वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही। और पार्लर है जो पार्लर का भी मुझे बहुत इंटरेस्ट है, तो आप एक बार बताइएगा कि मैं कौन सा काम रखूँ। तो हमने इलास्टिक के ऊपर खींचकर ही सिलाई लगाई है और अब चुन्नटों के ऊपर भी हम
सीधी सिलाई लगा लेंगे और आगे तक हम सिलाई सीधी लगा देंगे। दोस्तों मैं आपको अपना परिवार मानती हूँ बहुत दिल से, बहुत अच्छी फीलिंग आती है मुझे आपके साथ बातें शेयर करके। तो बस मैं टाइम की वजह से आपके साथ वीडियो नहीं शेयर कर पा रही, बाकी मुझे बहुत इच्छा होती है आपके साथ बात करने की। मैं इंस्टाग्राम पर भी कोशिश करती हूँ कि आपके साथ बात करूँ, पर हो नहीं पा रहा दोस्तों। बाकी अगर आपको फिर भी मुझसे बात करनी है तो मैं इंस्टाग्राम पर आपके कोशिश करती हूँ हर सवालों के जवाब देने की। उसके बाद हमने जैसे कि यहाँ तक सिलाई लगाई है और इसके बाद हम हुक लगाएंगे। हमने 10-5-7 इंच का कपड़ा रखा है जहाँ तक हमने सिलाई नहीं लगाई उसके, क्योंकि ये हमने हुक घूम करने हैं इस तरह से। तो हमने जो ये पट्टी है इसके ऊपर हुक लगाया है, यानी कि नीचे से हमने हुक लगा दिया, नीचे आई लगाई है। उसके बाद हम इसको सीजर्स की मदद से इसके लॉक लगा देंगे। और अच्छे से इसको बैठा देंगे। उसके बाद हमने जो 5 इंच पर निशान लगाया है, 5 इंच की दूरी आप रख सकते हो, 5-5.5 इंच की, इसके ऊपर भी हम एक हुक लगा देंगे। उसके बाद हम ऊपर से जो हमने सिलाई छोड़ दी थी वो सिलाई लगाएंगे, लेकिन उससे पहले हम एक बार जो दूसरे बंद होने वाली इसकी आई हैं वो भी लगाएंगे। इस तरह से हम मापेंगे, जैसे कि हमारी जो बेल्ट थी वो 34 इंच थी, तो हम उसमें से कितनी टाइट या लूजिंग पहनना चाहते हैं उस हिसाब से हम इसमें दूसरे हुक लगाते हैं, यानी कि आई उसकी लगाते हैं। तो हम जैसे कि हमारी 34 थी तो हम 5 या 6 इंच माइनस कर सकते हैं। जैसे कि 34 थी तो हम इसमें 29 या 30 इंच की बेल्ट तैयार रख सकते हैं और वहाँ पर ये इसकी आई लगा सकते हैं। इस तरह से हमने मापा और यहाँ पर एक निशान लगा लिया है और इसके बाद हम ये हुक और यहाँ पर लगा देंगे। इसको भी हम सेम इसी तरह से लगाएंगे, बाकी इसको हम घूम करने की ज़रूरत नहीं होती, ये इतना परेशान नहीं करता। आगे होता है वो आगे हमारे चुभता है इसलिए हम उसको घूम करते हैं, इसको हम डायरेक्ट लगा रहे हैं। अगर बाई चांस से कम ज़्यादा भी हो जाए तो ये ओपन हो करके आगे पीछे सरक सकता है। सबसे पहले तो हम अगर बाई चांस हमें लूजिंग या टाइट चाहिए तो इन हुक जो अब हम लगा रहे हैं इनको भी आगे पीछे करके कम ज़्यादा कर सकते हैं। बाकी ज़्यादा ही लूजिंग चाहिए तो हम पीछे जो हमने प्लेट्स डाली हैं उनको करके सेट कर सकते हैं। ये हमने दोनों, ये एक हुक लगा लिया है, उसके बाद हम दूसरा हुक भी लगाएंगे। इसके लिए हम निशान लगा लेंगे बिल्कुल इसके सामने और इसके ऊपर भी हम एक हुक लगा देंगे। दोस्तों क्या आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है? कमेंट के हिसाब से तो मुझे लगता है दोस्तों आपको बहुत अच्छी लगती है और आप यहाँ तक आए हैं मेरी वीडियो देखते देखते, तो उसके लिए भी आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ दोस्तों इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि साड़ी की ये जो बेल्ट डालने की वीडियो है इसको बहुत सी पब्लिक मुझसे मांग रही है, तो मैं चाहती हूँ कि आपके साथ साथ कोई और भी इसको देख सके और फ़ायदा उठा सके। और कई दोस्तों ये पूछते हैं कि मैं साड़ी में बेल्ट डालने के कितने पैसे लेती हूँ, तो मैं अगर नीचे से जैसे बेल्ट तैयार करती हूँ तो मैं उसके 250 रुपये लेती हूँ, और अगर पल्ला भी तैयार करती हूँ तो उसके मैं 300 रुपये लेती हूँ। तो यहाँ तक हमने हुक लगा दिए थे, अब हमने जो सिलाई के लिए कपड़ा छोटा था आगे से उस पर हम सिलाई लगाएंगे। हम पहले सीधी सिलाई लगाई है, अगर आप चाहो तो ये सिलाई लगाए ऊपर आगे से, या फिर इसको स्किप भी कर सकते हैं। इस तरह से अब हम इसके ऊपर सीधी सिलाई लगाएंगे। हमने प्लेटें एकदम से इक्वल सेट कर लेनी है, ये ध्यान रखना है। बस हमारा थोड़ा हा एक्स्ट्रा टाइम यही लगता है और हमारा साड़ी में बेल्ट डालने का कहीं भी टाइम नहीं लगता। हमने सीधी सिलाई लगानी है और जो हमने सिलाई छोड़ी थी वहाँ पर इसको ज्वाइंट कर देना है। तो ये हमने पूरे पर सिलाई लगा ली है, ये हमारी सिलाई बहुत ही फिनिशिंग से लग कर आई है और ये साड़ी भी बहुत ही फिनिशिंग से तैयार हुई है, जैसे कि आपने देखा होगा मैंने स्टार्टिंग में बांध कर दिखाई हुई है। तो ये वही साड़ी है जो मैं अब तैयार कर रही हूँ और मैंने बांध के दिखाई थी।
अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो और डेली रूटीन का जो भी कार्य देखना है कि मैं डेली रूटीन में क्या कुछ कार्य करती हूँ, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिएगा। वहाँ पर मैं डेली वीडियो अपलोड करती हूँ। वहाँ पर भी मेरी सेम यही आईडी है, यही नाम है, टैलेंटेड रितु इंसान। दोस्तों आप मुझे बहुत ही प्यार और सपोर्ट देते हो, प्लीज़ ऐसे ही प्यार और सपोर्ट देते रहिएगा। अगर हम चाहें तो इसके ऊपर भी एक सिलाई लगा सकते हैं, जैसे कि ये मैं लगा रही हूँ। अगर बाकी कोई ज़रूरी नहीं है, आपकी इच्छा हो तो आप लगाएं, वरना छोड़ भी सकते हो। ये हमारी साड़ी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आप इसका पल्ला भी सेट करना चाहें तो एक बार आप हुक लगा करके चेक कर लें कि कहाँ तक आपका पल्ला आपने सेट करना है। उसके ऊपर बस आपने एक बार एक सीधी सिलाई लगानी होती है और कुछ खास बात नहीं होती। बाकी पल्ला सेट करने के बाद आप उसको फ्री पल्ला या कुछ ऐसे नहीं छोड़ सकते, और अगर आप पल्ला सेट नहीं करते तो आप उसको फ्री पल्ला या कैसे भी बांध सकते हो। सिर्फ यही दिक्कत होती है। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मैं आपके लिए डेली डेली वीडियो अपलोड करती रहूँ, इसके लिए अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा, इससे मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ। तो दोस्तों ये साड़ी सेम उसी की तरह मैंने तैयार की थी, तो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ तक आपने वीडियो को देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मुझे बात करनी है या कुछ भी किसी भी बारे में कुछ पूछना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए और वहाँ पर डायरेक्ट मैसेज कीजिए।